वेल स्टूडेंट, आज की इस वीडियो से स्टार्ट करने जा रहे हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड के यूनिट 4 को, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन को। यानी कि आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मिड एग्जामिनेशन के पहले चैप्टर को, जिसका नाम है आपका इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। जैसा कि स्टूडेंट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो आपका मिड एग्जाम है, यानी कि मिड एग्जाम जो आपका होगा अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 का, उसके अंदर यूनिट नंबर 4, यूनिट 5 और यूनिट 6 आएगी। ठीक है, यूनिट 6 आपकी आधी आनी है, राइट। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले यूनिट 4 से स्टार्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि मिड एग्जाम होगा ना आपका पहले, उसके बाद फाइनल एग्जाम होगा। तो जो आपका मैट्रिक्स वगैरह है, वेक्टर वगैरह, उसको आपको बाद में करना होगा, राइट। चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि जो आपका यूनिट नंबर 4 है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, ये कितने लेक्चर्स में हम आपको कंप्लीट पूरा करा देंगे और इसके अंदर क्या-क्या चीजें आपको स्टडी करनी है, ठीक है। और उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने डिफरेंशिएशन वाली वीडियो नहीं देखी, यानी कि मैथ्स पार्ट 1, यानी कि जो आपका अप्लाइड मैथ्स पार्ट 1 था ना, उसके अंदर डिफरेंशिएशन था, अगर आपने वो आपको वो नहीं आता है तो इंटीग्रेशन आपको वैसे भी नहीं समझ में आएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कोर्स के अंदर मैंने क्या किया, अप्लाइड मैथमेटिक फर्स्ट डिवीजन के नाम से एक और आपका सब्जेक्ट बना दिया, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंशिएशन की सारी वीडियोस मिल जाएगी, तो उसको जरूर देख लीजिएगा, राइट। इसी कोर्स में आपको अलग से बाय कुछ नहीं करना है। चलिए इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि इसके अंदर आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी और आपको कितने लेक्चर्स इसको लग जाएंगे कंप्लीट कराने में। और बहुत बड़ा पोर्शन ही है, ठीक है। इंटीग्रेशन बहुत ही डिफिकल्ट है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को समझते हुए चलेगा और सारी चीज़ें एक साथ कंबाइन होकर एक जगह लगेंगी, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है, देखिए जो पहला लेक्चर होगा उसके अंदर हम बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, कि जो भी इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन का आखिर बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है, ठीक है। इसके अंदर क्यों इसका हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, राइट। दूसरा देखिए, दूसरा हम यहाँ पे बात करेंगे आपका इंटीग्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, जो भी आपके पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एक्स का क्यूब, ठीक है, प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, एक्स प्लस टू ये पॉलिनोमियल फंक्शन, तो इसका हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे इसको हम सीखेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पे देखा इंटीग्रेशन ऑफ लॉगरिथम फंक्शन, यानी कि लेक्चर नंबर 2 के अंदर ही एक तो पॉलिनोमियल फंक्शन का इंटीग्रेशन देखेंगे, लॉगरिथम फंक्शन का इंटीग्रेशन देखेंगे, और कोई भी लॉगरिथम फंक्शन है तो उसका इंटीग्रेशन कैसा होगा। और उसके बाद यहाँ पे मेंशन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, जैसे ई की पावर एक्स हो गया, यहाँ पे जैसे लॉग एक्स हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन वगैरह हम सीखेंगे, राइट। अगला देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या है, यूनिट नंबर 3, ठीक है, यूनिट नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट था, यूनिट नंबर 3 उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे नीचे आओगे तो इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 3 के अंदर हम क्या देखेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यानी जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है उसका हम इंटीग्रेशन देखेंगे, जैसे साइन का क्या इंटीग्रेशन होगा, कॉस का क्या इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, इन सारी चीजों को हमें यहाँ पे पता करना है। नेक्स्ट इसके बाद अगर आप देखेंगे स्टूडेंट, तो हमारा यहाँ पे फोर्थ लेक्चर, तो फोर्थ लेक्चर में हम क्या बात करेंगे, इंटीग्रेशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से हम क्या देखेंगे, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। ये पार्ट 1 है, ठीक है, यानी कि इसका पहला पार्ट आएगा, और फिर लेक्चर नंबर 5 में इसी का, यानी कि जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इसी का पार्ट 2 आएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे कराने और कॉन्सेप्ट भी आपको समझाना है, राइट। अगला देखिए, नेक्स्ट यहां पे क्या मेंशन है, छठे नंबर पे, सिक्स्थ नंबर पे मेंशन कर रखा है इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन, यानी कि कुछ पर्टिकुलर जो फंक्शंस होते हैं ना, जैसे कि इस तरीके से आपने देखा होगा 1/√a का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस है, इसका हम इंटीग्रेशन देखना है। और ये इसको कराने मुझे बताओ आपको, ये जो आपका लिखा हुआ है ना सम पर्टिकुलर फंक्शन का इंटीग्रेशन, इसको कराने में मुझे 5 वीडियोस लगेंगे, यानी कि आपका छठा वीडियो भी इसी टॉपिक पर होगा, पार्ट 1 आएगा इसका सम पर्टिकुलर फंक्शन का, फिर पार्ट 2 आएगा इसका, यानी कि वो सातवां लेक्चर होगा पार्ट 2 वाला, ठीक है, सातवां लेक्चर, फिर इसी का आठवां लेक्चर आएगा, फिर इसी का नौवां लेक्चर आएगा, इस तरीके से आपके देख सकते हो 4 लेक्चर है, 3 ये हो गए, एक ये चौथा, 4 लेक्चर लग जाएंगे मेरे को किसको कंप्लीट कराने में, सम पर्टिकुलर फंक्शन को कंप्लीट कराने में, यानी कि जो इसका इंटीग्रेशन होता है। अगला टॉपिक देखिए 10वें नंबर का, तो 10वां लेक्चर जो होगा हमारा, उसके अंदर हम बात करेंगे इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं चीजों को, राइट, इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे 11वें नंबर पे, तो आपको मेंशन है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो इतनी सारी चीजें हमें पढ़नी है, यानी कि बाय पार्ट्स का हम यूज करके किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे, जैसे हमारे पे मान लीजिए ई की पावर एक्स है या फिर लॉग एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करें, ठीक है, राइट, इसका हम सीखेंगे। तो इतनी सारी चीजें स्टूडेंट हमें पढ़ना है इसके अंदर, और ये टोटल मिला के आपके 11 लेक्चर है, इसके अंदर ये पूरा कंप्लीट कराया जाएगा आपको। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, जल्दी हम अपने पहले लेक्चर में मिलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तो पढ़ाई करते रहें सभी स्टूडेंट, ऑल द वेरी बेस्ट।